यूक्रेन के उज़्गो रोड में 5 दिन पहले 3 भारतीय छात्रों पर जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में 2 छात्रों की मौत हो गई थी जबकि 1 जख्मी हो गया था। मारे गए छात्रों में एक छात्र मुरादाबाद का रहने वाला है जिसका शव आज उसके घर पहुंचा। मातम की ये तस्वीरें हैं अंकुर के घर की, जहां जैसे ही अंकुर का शव उसके घर पहुंचा तो पूरा परिवार शोक में डूब गया। बेटे का शव देख उसकी माँ के आंसू थम नहीं रहे थे। दोस्तों और रिश्तेदारों का भी रो रो कर बुरा हाल था। बताया जा रहा है कि अंकुर अपने दोनों दोस्तों प्रणब और इंद्रजीत के साथ उज़्गो रोड मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन 10 अप्रैल की रात कुछ बदमाश लूट के इरादे से उनके घर दाखिल हुए और तीनों पर हमला कर दिया, जिसमें अंकुर और प्रणब की मौत हो गई जबकि इंद्रजीत गंभीर रूप से जख्मी है। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।